हेलो गाइस, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेरी वेलकम टू IITN Explains। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है कि एमोडोस की पूरी सीरीज चल रही है और आज हम बात करने वाले कंप्लीट हाइड्रोजन पेरोक्साइड को एक सिंगल शॉट में एक ही सवाल के अंदर पूरा का पूरा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की जो मेजर और मेन टॉपिक है हम उसको कवर कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है H2O2S ब्लॉक का एक ऐसा कंपाउंड है, एक ऐसा हाइड्रोजन का कंपाउंड है जो कि गाइस आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज्यादा कंसेप्चुअल माना जाता है जेईई मेंस एडवांस और मेडिकल और सेम के रीजनल एंट्रेंस एग्जामिनेशन में। तो गाइस, पूरी एनर्जी जोश और जुनून के साथ जुड़ जाइएगा, पेन और नोटबुक लेके स्टार्ट करते हैं पूरी एनर्जी के साथ। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेक श्योर गाइस आप पेन और नोटबुक लेके बैठे हो, बिकॉज उसके बिना काम नहीं चलेगा। किसी कहानी एपिसोड के जैसा सुनेंगे कोई फायदा नहीं है। नाउ गाइस, क्लोज योर आईज फॉर 3 and 4 seconds एंड टोटली कनेक्ट विद अस। जुड़ गए हमारे साथ, मेरी और आपकी एनर्जी लेवल बिल्कुल सिंक्रोनाइज हो चुकी है, एक बहुत ही जबरदस्त आउटपुट आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, शुरू करते हैं। तो बड़ा प्यारा सा सवाल है, आप बहुत ध्यान से देखिएगा। एक ऐसा सवाल जो सारे के सारे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेजर कॉन्सेप्ट्स, प्रॉपर्टीज और हर एक चीज को कवर कर रहा है। गाइस, आपसे बोला गया चूज द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। पहला है कि H2O2 इज स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर। इट इज प्रिपेयर्ड बाय मॉक्स मेथड यूजिंग KO2। ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल गिव्स H2O2। डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज एक्सोथर्मिक। इट ऑक्सीडाइज पोटेशियम फेरोसाइनाइड इन एसिडिक मीडिया। इट गिव्स डीप blue coloration with acidified ice cold K2CR2 solution and it can be testing using titanium salts। guys dekho properties iske andar nazar aa rahe hain, dher sare chemical properties, dher sare methods of preparation, dher sare testing aur har ek cheez ka dhyan rakha gaya hai sawal ko banane mein। ye sawal guys apne aap mein pura ka pura hydrogen peroxide ka revision hi hai, bahut dhyan se dekhna, machayenge guys, taiyar ho jao। sabse pehla, hydrogen peroxide is slightly more acidic than water, kya ye baat sahi hai? chaliye test karte hain। actually dekha kya jata hai, हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो स्लाइटली मोर एसिडिक होता है पानी से। स्लाइटली बोला गया है आपको, आप बहुत ज्यादा मत समझ लीजिएगा, मैं एक्सप्लेन करता हूं। देखो गाइस, ये रहा तुम्हारा हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अभी मैं लीनियर लिख रहा हूं, हालांकि बुक शेप का होता है, ऐसे 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 होता है, बट हम सिर्फ समझाने के लिए लिख रहे हैं। गाइस, ये क्या होता है, ये धीरे धीरे आयोनाइज होता है कुछ ऐसे HOO- और H+। अगर हम इसको देखते हैं गाइस, इसका जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए वो कितना आपको नजर आता है, आपको पता है 1.55 into 10 to the power minus 14 नजर आता है इसका KAQ। ठीक है, वाटर में गाइस जब हम यही देखते हैं तो वाटर में ये हमें नजर आता है OH- + H+ में इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपको दिखेगा कितना, आपको बता रहा हूं 1 into 10 to the power minus 14। तो थोड़ा सा गाइस फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऊपर वाला ज्यादा जा रहा है, इसका एक सिंप्लीफाइड रीजन है। हालांकि इसके दो रीजन है, एक रीजन थोड़े आप हायर स्टडीज और यूनिवर्सिटीज में पढ़ेंगे, एक रीजन मैं आपको आपके हायर सेकेंडरी के हिसाब से समझा सकता हूं, वो है गाइस इसका इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। देखो गाइस, होता क्या है कि O और OH-, देखो गाइस O के ऊपर जब तुम माइनस दे देते हो तो O- जो होता है वो बहुत जबरदस्त प्लस आई शो करता है। प्लस आई का मतलब पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट, मतलब धक्का देने वाला इफेक्ट। तो ये कमाल का प्लस आई शो करने वाला ग्रुप है, मतलब बहुत बढ़िया डोनर है। और OH गाइस क्या करता है, हल्का सा माइनस आई शो करता है। तो यहां पे क्या होता है, ये O नेगेटिव हल्का सा खिंचाव महसूस करता है इस OH की तरफ से, क्योंकि O- प्लस आई है और ये माइनस आई है, तो इलेक्ट्रॉन को हल्का सा दूर फेंक के स्लाइट मोर स्टेबलाइज हो पाता है। दूसरी तरफ गाइस क्या होता है, OH- में ऐसा कोई सीन नहीं है, because O minus यहां से हाइड्रोजन पर अपना इलेक्ट्रॉन नहीं फेंक सकता, because हाइड्रोजन ना तो प्लस आई शो करता है ना तो माइनस आई शो करता है। तो यहां पे कुछ खास स्टेबलाइजेशन नहीं है जितनी स्टेबलाइजेशन यहां पे नजर आ रही है। इसीलिए गाइस अगर आप 25 डिग्री सी पर चेक करेंगे तो 100% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो पीएच आएगा वो 6.2 आएगा। मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा पूरा डेटा, हालांकि डिफरेंट अलग अलग रेशियोज में अलग अलग देता है। और अगर हम 25 डिग्री सी पर 100% प्योर H2O की बात करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली 7 आता है। तो आप पीएच से भी देख सकते हैं इसका पीएच 25 डिग्री सी पर 100% H2O2 का 6.2 है, जो कि स्लाइटली एसिडिक है, और इसका 7 होता है जो कि न्यूट्रल होता है। तो गाइस मैंने आपको डेटास के हिसाब से, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के हिसाब से और लॉजिक के हिसाब से भी मैंने आपको समझा दिया कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो होता है वो स्लाइटली मोर एसिडिक होता है पानी से। वेरी गुड, हमारा पहला आंसर प्रूफ हुआ। दूसरा,
इट इज प्रिपेयर्ड बाय द मार्क्स मेथड यूजिंग KO2। अगर आप जल्दीबाजी करोगे ना गाइस, गलती कर दोगे, बिकॉज ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है पर आधा सही है। मार्क्स मेथड यूजिंग KO2, KO2 का यूज नहीं करते मार्क्स मेथड में। मार्क्स मेथड में गाइस हम क्या करते हैं कि सोडियम पेरोक्साइड का यूज करते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखिएगा, यहां गाइस हम Na2O2 का यूज करते हैं, और गाइस हम यहां पर क्या करते हैं, आइस कोल्ड H2SO4 का यूज करते हैं 20%, 20% आइस लिख लीजिएगा कोल्ड H2SO4 का गाइस हम यूज करते हैं। तो ये गाइस क्या करता है, सोडियम पेरोक्साइड 20% आइस कोल्ड के साथ, अगर आइस कोल्ड नहीं रखिएगा तो बनने वाला हाइड्रोजन पेरोक्साइड बहुत आसानी के साथ डिकम्पोज हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि H2O2 जो होता है बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, इसको हल्की सी भी सनलाइट मिल जाए, हल्की सी भी गर्मी और एनर्जी मिल जाए, टूटने लग जाता है। तो इसीलिए हम आइस कोल्ड H2SO4 यूज कर रहे हैं। तो गाइस ये आपके पास बनाएगा Na2SO4, और गाइस यहां से हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मेशन होता है। ये जो Na2SO4 गाइस होता है, ये जो सोडियम सल्फेट होता है, ये वाटर के साथ फर्दर क्रिस्टलाइज हो जाता है ठंडा करने पे, कोल्ड करने पे, ठंडा करने पे ये Na2SO4.10H2O बना के ये क्रिस्टलाइज हो जाता है और आपको प्योर हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिल जाता है। तो इसने आधा तो सही लिखा है, इट इज प्रिपेयर्ड यूजिंग मार्क्स मेथड, बट KO2 लिख के इसने गलती कर दी। यहां पर KO2 नहीं होना चाहिए, यहां सोडियम पेरोक्साइड होना चाहिए मार्क्स मेथड में, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। ओके, थर्ड, ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ 2 इथाइल एंथ्राक्विनोल गिव्स हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बड़ा प्यारा सा सवाल है, अगर आपको आपने ये पढ़ा नहीं तो आपने हाइड्रोजन पेरोक्साइड पढ़ा ही नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है अगर आपको ये नहीं आता है। तो ये एक ऐसी चीज है जो राइट नाउ इंडिया के कोचिंग के सारे मॉड्यूल्स में, आप भारत के अंदर किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, चाहे वो छोटा हो, मॉडरेट हो, बड़ा हो, आपको ये जरूर दिखता होगा, जरूर दिखता होगा। अब ये क्या होता है गाइस, देखो गाइस, एक कंपाउंड है, इस कंपाउंड को बोलते हैं 2-ethyl anthraquinol। देखिएगा ये कुछ ऐसा होता है, ये गाइस कुछ ऐसा होता है, ये यहां से लगा हुआ होता है इथाइल C2H5, और यहां से लगा होता है OH। इसको गाइस हम बोलते हैं 2-1-2, है ना, 2-ethyl एंथ्रासीन से आया एंथ्राक्विनॉल, क्विनॉल का मतलब ऑल अल्कोहल। गाइस जब आप इसका ऑटो ऑक्सीडेशन करेंगे, जब गाइस आप कुछ नहीं छोड़ देंगे, हवा वाला एरियल ऑक्सीडेशन भी हो सकता है, तेज कराना है तो आप ऑक्सीजन या एयर पास करा दीजिए। तो गाइस क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूं, ये जो गाइस बीच वाला OH है ना गाइस, ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, देखिएगा, है ना, इस बार मैं आपको डिटेल यहां पे स्ट्रक्चर बना रहा हूं, जरा ध्यान से देखिएगा ये कैसा होता है, ये ऐसा हो जाता है गाइस। यहां से तो इथाइल लगा हुआ था C2H5, देखिएगा ये तो एरोमेटिक है, ये एरोमेटिक है, यहां से C डबल बॉन्ड हो, यहां से C डबल बॉन्ड हो आ गया। इसको गाइस बोला जाता है 2-ethyl, नोट कीजिएगा, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन, 2-ethyl एंथ्राक्विनोन बोला जाता है। आपको इधर से इधर आना है तो आप H2PD लगा दीजिए, तो आप बैक भी आ सकते हैं। सुनिएगा ध्यान से गाइस, हुआ क्या, जब आप 2-ethyl एंथ्राक्विनोल में एयर या ऑक्सीजन पास कर रहे थे तो ये ऑक्सीडाइज हो गया 2-ethyl एंथ्राक्विनोल में, और गाइस क्या हुआ, ये ऑक्सीजन और निकला हुआ हाइड्रोजन, इन्होंने क्या फॉर्म किया, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फॉर्म किया गाइस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब आप 2-ethyl एंथ्राक्विनोल में हवा पास करेंगे, इसका ऑटो ऑक्सीडेशन करेंगे या एरियल ऑक्सीडेशन करेंगे, तो 2-ethyl एंथ्राक्विनोन बनेगा और H2O2 देगा। अब इसी मिक्सचर में आप हाइड्रोजन पीडी पास कर दीजिएगा तो ये फर्दर इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। याद रखें ये कन्वर्ट हो रहा है इसमें, ना कि H2O2। H2O2 तो बन गया, तो आप पीछे लाइए हाइड्रोजन डाल के और ऑक्सीजन डाल के सामने लाइए, हर बार ये लूप में चलाइए और आपको H2O2 मिलता जा रहा है। तो बड़ा कमाल का मेथड है, बड़ा कमाल का मेथड है, बहुत जबरदस्त मेथड है। तो ऑटो ऑक्सीडेशन ऑफ H2O2, बिल्कुल गाइस सही बात, बिना किसी शक के। डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज एक्सोथर्मिक, गाइस बड़ा प्यारा सा सवाल है। हमें अक्सर ये लगता है कि किसी चीज को तोड़ने में ना एनर्जी देनी पड़ती है, बट हाइड्रोजन पेरोक्साइड की खास बात क्या है कि H2O2 को कुछ मत करो आप, सिंपली छोड़ दो, है ना, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दोगे, स्टैंडिंग फॉर लॉन्ग टाइम, लंबे टाइम के लिए छोड़ दो, या हल्का सा स्लाइट वार्म कर दो, ये पागलों के जैसा टूटने लगता है और ये टूट के देता है H2O और नेसेंट ऑक्सीजन, जो कि बाद में ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस में जो डेल्टा एट है, एच है, -196 किलो जूल पर मोल की एनर्जी रिलीज होती है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है गाइस। यही रीजन है
कि आप हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ना तो ग्लास के बॉटल में रख सकते हो, ना तो आप इसको प्लास्टिक के बॉटल में रख सकते हो, ना तो आप इसको मेटल के बॉटल में रख सकते हो। आप इसको खास तरह के पॉलीमर से बने हुए बॉटल्स में रखते हो, जैसे कि टेफ्लॉन हो गया, और उसमें भी जो इंटरनल दीवार होती है उस पर वैक्स कोटिंग चढ़ाई जाती है और वो कलर्ड होता है। मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड में ना तो जाना चाहिए लाइट, ना ही जानी चाहिए गर्मी, ना ही जाना चाहिए किसी तरह का रेडिएशन, बिकॉज ये हर केस में टूट जाएगा और ये एक्सोथर्मिक है, तो आप समझ सकते हो इसके नतीजे कितने खतरनाक हो सकते हैं अगर ये एनर्जी रिलीज करेगा तो डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 इज एक्सोथर्मिक। जी हां, अपने आप ये टूटना स्टार्ट कर देता है। इट ऑक्सीडाइजेस K4FeCN6 इनटू इन एसिडिक मीडियम। बिल्कुल ही सही बात है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। देखिएगा गाइस, ये क्या करता है, अगर आप H2O2 लीजिएगा, H2O2 और साथ में आप यूज कीजिएगा एसिडिक मीडिया H2SO4 और यूज कीजिएगा K4FeCN6, तो देखो गाइस यहां पर क्या होगा, जरा सोचो। आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, 4 यहां से और 6 यहां से, इसको x मान लो तो +4 +x -6 = 0, तो x = 2, तो यहां पे जो आयरन है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और H2O2 क्या है, अभी ऊपर वाले इक्वेशन में आपने देखा ये नेसेंट ऑक्सीजन सप्लाई करता है, तो ये क्या कर सकता है, ऑक्सीडाइज कर सकता है आयरन को +2 से +3 में। तो गाइस ये क्या करेगा, K4FeCN6 को कन्वर्ट कर देगा किसमें, K3FeCN6 में। अब आप बोलोगे इसमें ऑक्सीडेशन कहां हुआ, बिल्कुल दिखाता हूं, साथ में बनेगा K2SO4 और साथ में गाइस बन जाएगा पानी। देखो गाइस यहां पे क्या हुआ, आयरन जो था +2 से ऑक्सीडाइज होके कहां चला गया, +3 में चला गया। कुछ बेसिक चीजें होती, जैसे ये स्टेनस को स्टेनिक में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हो, PbS को PbSO4 में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हो, फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, समझ रहे हो। तो ये ऑक्सीडाइज कर सकता है चीजों को, तो इसने क्या किया, K4FeCN6 को आप K3FeCN6 में ऑक्सीडाइज कर दिया। इसको बोलते हैं पोटेशियम फेरोसाइनाइड और इसको बोला जाता है पोटेशियम फेरिसाइनाइड, फेरी का मतलब 3, तो जी हां गाइस ये ऑक्सीडाइज भी करता है। It gives deep blue coloration with acidified ice cold K2CO2. ये most common है H2O2 के experiment में। आप बहुत बढ़िया से जानते हो guys कि अगर आप K2Cr2O7 लोगे और अगर आप acidified करोगे H+ के साथ और साथ में डालोगे hydrogen peroxide, तो यहाँ एक बड़ा कमाल का compound आता है। बनते तो हालांकि बहुत कुछ हैं, K2SO4 बनता है, पानी भी बनता है, बट एक बड़ा यूनिक सा कंपाउंड बनता है जिसको हम बटरफ्लाई ब्लू बोलते हैं। इसको बोला जाता है बटरफ्लाई ब्लू। क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई ब्लू, देख लो बटरफ्लाई के जैसा ये नजर आ रहा है, इसको बटरफ्लाई ब्लू बोलते हैं, लिखेगा क्योंकि बटरफ्लाई के जैसा है। दिस इज नोन एज बटरफ्लाई ब्लू। और इसका गाइस एक और नाम होता है जो इसका IUPAC नाम है, लिख लीजिए, क्रोमियम 6 ऑक्साइड पेरोक्साइड। मैं रिपीट कर दे रहा हूं, क्रोमियम 6 ऑक्साइड पेरोक्साइड, ये इसका नाम है। इसको हम लिखते हैं शॉर्टकट में CrO5। गाइस कुछ चीजें दिमाग में रखिएगा, ये जो CrO5 होता है इसके साथ दो पेरोक्साइड लिंकेज हैं, और ये चूंकि 3 मेंबर रिंग बनाता हुआ नजर आ रहा है, तो ये बहुत ज्यादा स्टेबलाइज नहीं होता है। इसको स्टेबल करने के लिए आपको ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के तौर पे इपॉक्साइड और इथर की जरूरत पड़ती है, तभी ये स्टेबलाइज्ड हो पाएगा। अगर आप बिना इथर के यूज करेंगे तो धीरे धीरे इसका डीप ब्लू कलरेशन जो है वो फेड होता चला जाएगा और कुछ टाइम के बाद ये क्रोमियम सल्फेट में, मतलब ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसको स्टेबलाइज करने के लिए लिख लीजिए, आपको इथरनल मीडिया चाहिए होती है। क्या चाहिए होता है, इथरनल मीडिया चाहिए होती है। परफेक्ट, आगे आते हैं। तो ये बिल्कुल सही आंसर है कि ये डीप ब्लू कलरेशन देता है एसिडिफाइड आइस कोल्ड K2Cr2O के साथ। अच्छा, इट कैन बी टेस्टेड यूजिंग टाइटेनियम सॉल्ट। अब यहां पे फंस जाओगे, टेस्टिंग है गाइस। अगर तुम टाइटेनियम का सॉल्ट लोगे, एग्जांपल के तौर पे अगर हम टाइटेनियम सल्फेट लेते हैं, क्या लेते हैं, TiSO4 का होल ट्वाइस, टाइटेनियम सल्फेट लेते हैं, यहां पे 4 ऑक्सीडेशन नंबर है टाइटेनियम का, ठीक है। और गाइस अगर हम इसको H2O2 में डालते हैं ना, तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है, आप हल्का सा वाटर भी यूज कर सकते हैं, तो गाइस ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें, H2TiO4 में। जरा आप खुद से सोचने की कोशिश कीजिएगा कि H2TiO4 क्या होता है, सोच लिया आपने, ये होता है गाइस पर टाइटेनिक एसिड, ये गाइस होता है पर टाइटेनिक एसिड, पर टाइटेनिक एसिड, ठीक है गाइस। और जो ये H2TiO4 है, इसका रंग जो होता है येलो ऑरेंज होता है।
अगर आपने यही सोचा था तो कांग्रेचुलेशंस, ये येलो ऑरेंज होता है, तो आप यहां पे टाइटेनियम के कुछ भी यूज कर सकते हैं, आप टाइटेनियम का क्लोराइड भी यूज कर सकते थे, टाइटेनियम ब्रोमाइड भी यूज कर सकते थे, टाइटेनियम सल्फेट भी यूज कर सकते थे और टाइटेनियम नाइट्रेट भी यूज कर सकते थे। जब भी आप TI सॉल्ट्स को H2O2 के साथ ट्रीट करेंगे तो ये H2TiO4 देगा, जिसको हम पर टाइटेनिक एसिड बोलते हैं और इसका रंग येलो ऑरेंज होता है। तो गाइस इस तरीके से पता चल गया, ये भी सही है। तो देखो पहला था स्लाइटली मोर एसिडिक देन वाटर, बिल्कुल सही बात, मॉक्स मेथड से बनता है पर KO2 से नहीं, Na2O2 से बनता है। ऑटो ऑक्सीडेशन होता है 2-ethyl-anthraquinol का, जी हां सही बात है। डिकंपोजिशन इसका एक्सोथर्मिक होता है, जी हां अभी आप देखा सही बात है। ये ऑक्सीडाइज करता है फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में, जी हां सही बात है। ये डीप ब्लू क्लोरेशन देता है एसिडिफाइड आइस कोल्ड के साथ, सही बात है, आइस कोल्ड इसलिए रखे ताकि डिकंपोज ना हो। अच्छा फिर ये जो है टाइटेनियम सॉल्ट से टेस्टेड होता है, सही बात है। गाइस जरा सा देखो और बताओ ये कैसा लगा, कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था ये, दिस इज वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई थिंक आपको किसी भी तरह का यहां पे डाउट नहीं रह गया होगा, हर एक चीज बहुत क्रिस्टल क्लियर आपको समझ में आई होगी। समझ में आई है तो अभी लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं बोलना चाहूंगा हमारे डिटेल कोर्सेज अनअकैडमी पर भी अवेलेबल है, जहां पर पूरी की पूरी ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में थ्योरी प्रॉब्लम्स DPP शीट डाउट डिस्कशन हर एक चीज होती है शेड्यूल क्लास में। जरूर सब्सक्राइब कीजिए और कोड हमारा यूज कीजिए IIT Explains। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।